यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स मी सिद्रा खान। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक हो गए। और आज जनाब मैं आज करने जा रही हूँ अपने बालों की कटिंग, और कटिंग में हम करने जा रहे हैं बैंग्स कट करने जा रहे हैं। टाइटल में आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। और ये जो कट है ना, मैं बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ। आप लोग अगर मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो आपको पता है कि मैं अपने बालों की खुद ही कटिंग करती हूँ, और बहुत दफ़ा मैंने ये वाली कटिंग की हुई है, अपने बालों के बैंग्स कट किए हैं। लेकिन इसके लिए कोई स्पेशल वीडियो नहीं बनाई थी, और ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जो कि भोपाल से हैं। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, काफ़ी टाइम हो गया, और आज मैं उनकी रिक्वेस्ट, मैंने कहा कि आज हम पूरी कर ही देते हैं और आज हम अपने बैंग्स कट करते हैं। तो आपने क्या करना है, ट्रायंगल शेप में इस तरह से जैसे मैंने बाल लिए हैं, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट करके आपने बाल ले लेने हैं सामने से जितने आपको चाहिए, और आपने थोड़े थोड़े करके कट करने हैं। पहले हम देखें नोज़ तक कट कर रही हूँ मैं अपने, और मैं ज़ुबान निकाल निकाल के दिखा रही हूँ कि मैं बाल काटने जा रही हूँ। तो ये जनाब वियर्ड से फेसेस में बनाती रहती हूँ, आप इसको बर्दाश्त करें। और हमने थोड़ा थोड़ा करके बालों को कट करना है, एकदम सारे बाल नहीं कट करने। जब आप सारे बाल कट कर देंगे, एकदम डायरेक्टली काट देंगे, और आपको फिर बाद में पछताना ना पड़ेगा यार ये मैंने सारी लेंथ उड़ा दी है और अब मैं ये दूसरा स्टेप में दोबारा कट कर रही हूँ। अब मुझे लगता है कि यार बस यहाँ तक काफ़ी है, और मेरी डिज़ायर्ड लेंथ जो है वो यही है। जब तक आपको आपकी डिज़ायर्ड लेंथ ना मिल जाए तब तक आप कट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये है, क्योंकि अभी मेरे बाल आंखों में आ रहे हैं, अभी हमारी कटिंग ख़त्म नहीं हुई, अभी हम अब मज़ीद इसको ट्रिम करेंगे, क्योंकि ये जो आंखों में बाल आ रहे हैं इनका भी कुछ हल करना है हमने। तो जनाब मैंने सेंटर सेंटर वाले बाल उठाए, साइडों से मैंने छोड़ दिए बाल, और जब तक मुझे सेंटर वाले बाल नहीं ना मिल रहे पूरे, तब तक मैं सेंटर से सेट करती रहूँगी। और ये जी अब उसके बाद हम कर लेंगे अपने बालों की ट्रिमिंग सेंटर से, क्योंकि ये आंखों में आते हैं, और आंखों में आते हैं तो चुभते हैं और बुरे लगते हैं। तो जनाब इसकी हमने देख लें कैंची, आपने मैंने किस तरीके से पकड़ी हुई, और थोड़े 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 स्मॉल स्ट्रोक्स में जो है वो मैंने कट कर दिया है, आप देखें। और ये हो गया हमारे बैंग कट। अब हम करेंगे फेस फ्रेमिंग। इसके लिए भी हमें क्या करना है, इसके लिए हमें उसी ट्रायंगल में से थोड़े थोड़े बाल दोनों साइडों से हमने निकाल लेने, यानी कि ट्रायंगल को थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो ये हमने थोड़े थोड़े बाल अपनी दोनों साइडों से निकाल लिए, और बाकी बालों को क्लिप लगा के पिनअप कर दिया। और यहाँ से भी मैंने निकाल लिए हैं बाल, आप दोनों साइडों से निकाल लें ताकि आपकी फ़ेस फ्रेमिंग हो जाए अच्छे तरीके से। तो जनाब ये कटिंग इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी पीजी सी है, और बहुत प्यारी लगती है आप कट करें तो। ये वाली कटिंग आमतौर पे मैं ना सर्दियों में करती होती हूँ, जब यार कोई मसला नहीं होता कि पसीना आएगा। अभी भी मैं कट कर रही हूँ ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा था बाल खोल के, तो आपको पता है गर्मियों में वैसे ही बहुत पसीना आता है। तो ये देखें मैंने निकाल ली है अपने साइडों से, और अब हम इसको हल्का सा ट्रिम करेंगे, और ये हमारी फ़ेस फ्रेमिंग हो जाएगी। अब आप देखना मैं कैसे कर रही हूँ। और यार आप लोग जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उतनी देर में आप मेरे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें, और क्या बस। और ये देखें जनाब मैं अब कर रही हूँ कटिंग, ये देखें किस तरह से मैंने इसकी ट्रिमिंग की है। कैंची का जो रुख है वो मैंने नीचे की साइड पर करके, हाथ ऊपर की तरफ रख के मैंने दोनों साइडों से हल्का हल्का ट्रिम कर लिया, और ये मैंने बाल पीछे कर लिए थे, मुझे गर्मी लग रही थी और फिर से मैंने आगे कर दिया। और अब मैं जब बाल खोलूँगी तो ये देखें जी जनाब कितनी खूबसूरत सी कटिंग हो गई है, और ये बड़ी आसानी से 2 मिनटों के अंदर अंदर ये हो जाती है, क्योंकि अब ये वीडियो थी तो मैंने इसमें प्रॉपर तरीके से आपको दिखाना था, वरना ये जल्दी से हो जाती है कटिंग, बहुत अच्छी लगती है। तो ये आप चेक कर लें, तो देख लें कितनी खूबसूरत लग रही है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है, मैंने बाल बांध के देख रही थी पीछे से कि यार बांध के भी अच्छे लगते हैं, खोल के भी अच्छे लगते हैं इसमें आप, क्योंकि ऑलरेडी फेस फ्रेमिंग हो चुकी है तो आप बाल बांध भी सकते हैं पीछे से, खोलना चाहते हैं तो खोल लें, दोनों तरह से अच्छे लगेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।